हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों चेक बाउंस होने के कई कारण हो सकते हैं। उनमें सबसे कॉमन जो रीज़न होता है वो होता है इनसफिशिएंट फंड्स, यानी कि जितनी राशि का चेक आपने किसी को दिया है उतनी राशि उस दिन उस वक्त आपके खाते में नहीं थी, यानी कि पर्याप्त धन राशि नहीं थी, जिसकी वजह से चेक रिटर्न हो गया, बाउंस हो गया और उस पर जो है सेक्शन 138 चेक बाउंस चेक डिसऑनर का केस बनता है। इसके अलावा कई बार अलग अलग रिमार्क्स आते हैं चेक बाउंस के एंडोर्समेंट के साथ, जिसमें केस रेफर टू अ ड्रॉर, यानी कि जिसने चेक दिया है उसको ये रेफर कर दिया जाता है, बैंक इसमें कोई और टिप्पणी नहीं करता। इसके अलावा एक अन्य रीज़न है इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टॉपेज ऑफ पेमेंट, यानी कि जो ड्रॉर है चेक जिसने दिया है उसने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इस चेक की राशि को का भुगतान ना किया जाए, यानी कि पेमेंट को स्टॉप कर दिया जाए। इसके अलावा तीसरा कारण ये होता है कि एक्सीड्स अरेंजमेंट्स, यानी कि आपके खाते की जितनी लिमिट है जिस पर चेक आना है, अगर आपने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया, ज़्यादा आपने विड्रॉल्स कर ली और जो चेक है वो इतनी राशि का है कि वो एक्सीड हो रहा है अमाउंट से, तो तब भी जो है चेक वापस आ जाता है, बाउंस हो जाता है। इसके अलावा सिग्नेचर डिफर करते हैं, अगर ड्रॉर के सिग्नेचर जो चेक पर हैं वो बैंक में सिग्नेचर जो है उनसे मिसमैच होते हैं तो तब भी चेक वापस आ जाता है, या जो इमेज है वो मिसमैच करती है सिग्नेचर की या कोई और पर्टिकुलर्स हैं तो तब भी जो है बैंक उस चेक को बिना पेमेंट के वापस भेज देता है। और अब दो महत्वपूर्ण इसमें रीज़न ये हैं कि एक अकाउंट क्लोज्ड, यानी कि जिस खाते का चेक है वो खाता बंद कर दिया गया है, और या जो है अकाउंट फ्रोजन, यानी कि जिस खाते का चेक है वो खाता फ्रीज किया जा चुका है, या तो वो बैंक ने फ्रीज कर दिया या किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के कहने से वो खाता फ्रीज कर दिया गया है, यानी कि फ्रीज होने के बाद उस खाते पर कोई भी लेन देन नहीं होता, ये बैंक इंश्योर करता है और उस खाते को फ्रीज कर देता है। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा कि जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनके कहने पर कई बार बैंक खाते को फ्रीज कर देता है, सीज कर देता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर खाता क्लोज हो गया है या खाता फ्रीज हो गया है और उस पर कोई चेक आता है और वो चेक डिसओनर हो जाता है तो तब भी क्या सेक्शन 138 का केस बनेगा या नहीं बनेगा। दोस्तों इस पर एक बहुत ही ताज़ा जजमेंट है माननीय जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। दोस्तों इसमें बड़ा सवाल ये है कि अगर बैंक अकाउंट क्लोज कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है या वो फ्रीज हो चुका है, तो क्या उसके चेक का जो 138 की कंप्लेंट है, केस है, क्या वो मेंटेनेबल होगा या नहीं होगा। दोस्तों जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट की ये जजमेंट है, इसका नंबर है क्रिमिनल मिसलेनियस नंबर 276 2018 की है। केस का टाइटल है शेख ओवैसी तारिक वर्सेस सतवीर सिंह। दोस्तों इसमें जो है जो अक्यूज था उसने एक चेक दिया था 869,700 रुपये का, लेकिन बाद में उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया किन्हीं कारणों की वजह से, और जब वो चेक बैंक में लगाया गया तो जो एंडोर्समेंट आई बैंक की उस पर ये लिखा था कि अकाउंट फ्रोजन। तो तब जो कंप्लेनेंट थे केस में उन्होंने जो कंप्लेंट है 138 की वो फाइल की, लेकिन इस बीच अक्यूज ने एप्लीकेशन लगाई कि ये जो कंप्लेंट है यानी कि चेक बाउंस का केस है ये मेंटेनेबल नहीं है, क्योंकि उसका अकाउंट पहले ही फ्रीज हो चुका था और उस पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से
चेक बाउंस हुआ है और उसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो दोस्तों अब बात आती है कि आपने खाता बंद कर दिया या आपका अकाउंट फ्रीज हो गया, तो क्या तब भी जो है सेक्शन 138 का केस आप पर बनेगा या नहीं बनेगा, यही इस वीडियो का महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों इस केस में टिप्पणी करते हुए माननीय जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि जब एक बार मजिस्ट्रेट चेक बाउंस के केस में कॉग्निजेंस ले लेता है, यानी कि वो समन इशू कर देता है, तो तब मजिस्ट्रेट घड़ी को वापस नहीं मोड़ सकता, यानी कि वो जो चेक बाउंस की प्रोसीडिंग्स हैं उनको वो ड्रॉप नहीं कर सकता, वो भी अक्यूज्ड के कहने पर, अक्यूज्ड की एप्लीकेशन पर। और ये जो मामला है ये आगे तक चलेगा, यानी कि मजिस्ट्रेट खुद अपनी समनिंग को जो है वो रद्द नहीं कर सकते, केस को ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि सीआरपीसी में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है कि मजिस्ट्रेट जो समन इशू करता है चेक बाउंस के केस में वो अपने समन को वापस ले ले, उनको रद्द कर दे, प्रोसीडिंग्स को रद्द कर दे, ऐसा सीआरपीसी में कोई भी प्रावधान नहीं है। दोस्तों इस पर जजमेंट भी है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइटल है, अदालत प्रसाद वर्सेज रूपलाल जिंदल, ये सुप्रीम कोर्ट का केस है, 2004 का है। और आगे माननीय जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसे बहुत सारी जजमेंट्स हैं जहां पर ये होल्ड किया गया है कि 138 के केस में जो आरोपी है उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है, अगर खाता बंद भी है तब भी, पेमेंट स्टॉप कर दी गई है तब भी, जो ड्रायर के द्वारा सिग्नेचर मिसमैच हो रहे हैं तब भी केस चलेगा, इमेज नहीं मिल रही है तब भी केस चलेगा, यानी कि अगर खाता फ्रीज भी हो जाता है, खाता बंद भी कर दिया जाता है, तो तब भी जो है जो अक्यूज्ड है वो चेक बाउंस के केस से नहीं बच सकता, उस पर जो सेक्शन 138 के प्रोविजंस हैं उनके तहत कार्रवाई जरूर होगी, और मजिस्ट्रेट को कोई पावर नहीं है सीआरपीसी के तहत कि वो अपनी ही समनिंग को रद्द कर दे। इसका एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है जो माननीय कोर्ट ने इसमें कहा कि जब एप्लीकेशन दी गई कि ये प्रोसीडिंग्स रद्द की जाए, चेक बाउंस का केस मेंटेनेबल नहीं है, माननीय कोर्ट ने कहा कि उस एप्लीकेशन में या कंप्लेंट में के बाद कोई भी ऐसी जो है ये नहीं लिखा गया एप्लीकेशन में कि जब ये चेक आया, चाहे खाता बंद था या फ्रीज था खासतौर पर, कि उस दिन जो है उस खाते में पर्याप्त धनराशि थी, यानी कि जितना चेक अमाउंट था उतनी राशि उस फ्रीज किए हुए खाते में जमा थी, इसलिए ड्रॉअर का कोई कसूर नहीं है, बल्कि जो है खाता बंद होने की वजह से या खाता फ्रीज होने की वजह से चेक का जो है ओनर है नहीं हो सका, यानी कि ये भी साबित करना जरूरी है कि जब आपका खाता फ्रीज हुआ है और जब चेक लगा उसमें, तो तब आपके खाते में पर्याप्त धनराशि थी या नहीं थी, अगर ये प्रूव नहीं कर सकते तो तब जो है जो अकाउंट फ्रीज और अकाउंट क्लोज्ड पर ये जो कार्रवाई है 138 की वो ज़रूर होगी, और ये जो है जो पिटीशन है, कंप्लेंट है, वो मेंटेनेबल ज़रूर होगी। दोस्तों इसका सारांश ये है कि चेक बाउंस के केस में जो कंप्लेंट है वो मेंटेनेबल होगी, चाहे जो है जो चेक अकाउंट क्लोज की वजह से डिसऑनर हुआ हो या अकाउंट फ्रोजन की वजह से डिसऑनर हुआ है, लेकिन अक्यूज्ड अपनी लीगल लायबिलिटी से नहीं बच सकता। और इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर खाता फ्रीज भी हो गया था या और कोई वजह से जो चेक है वो बाउंस हुआ था, तो तब भी जो है जो आरोपी है उसके पास 15 दिन का एक पीरियड होता है, अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उस पेमेंट का भुगतान कर दे, और अगर ऐसा नहीं करता है तो निश्चित तौर पर चेक बाउंस का केस उस पर चलेगा और जो उसका लॉजिकल कंक्लूजन होगा वो वहां पर पहुंचेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ। हैव ए वेरी नाइस डे, टाटा बाय बाय, टेक केयर।